धीमे बाइक चलाओ, तुम इतने जोर से क्यों बाइक चलाते हो, क्या होता है, हालत देख रहे हो अभी? अबे ये मतलब मेरा नसीब में था यार। अरे यार रात को मैं जब निकला था घर से तो सामने मेरा एक कुत्ता आ गया था, तो मतलब मैं अचानक से उसको बचाने के लिए ब्रेक मारा तो गिर गया, फिसल गया। मतलब क्या बताओ तुम्हें, अरे मेरा कोई गलती नहीं था। मार डालू यही पे, पर मार भी नहीं सकती हूँ क्योंकि पहले से चोट खा के बैठे हो तुम। अरे बहुत दर्द है क्या हाथ में? हाँ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। कुछ सीधा वीधा करने का कोशिश मत करो तुम, ये वाला हिस्सा ठीक है? हाँ, तुमने अभी इधर से क्रैक हुआ है, इधर से क्रैक हुआ है। बाइक चला के यहाँ पर आए, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? और बहुत दर्द भी है अभी। दबाओ मत ऐसे। हम दबा नहीं रहे, बस पकड़ के रख। डर लग रहा है मुझे देख के तुम्हारा हाथ। सच्ची में मेरे से प्रॉमिस करो कभी ऐसा जोर से बाइक नहीं चलाओगे? हाँ हाँ प्रॉमिस करते हैं। हाथ तो उधर, हाथ तो उधर ले नहीं जा सकता ना यार। हाँ प्रॉमिस, पक्का पक्का ठीक है, पक्का वाला। ये थोड़ा धीमे चलाने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे तुम रो मत यार। नहीं, नहीं, अरे लड़की तो रोने लग गई यार। साइकिल हो जाएगी थोड़ा धीमे चलाने। अरे रो मत, रो मत। नहीं यार, अरे हो गया है, अब छोड़ो यार, रो मत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता आज तो? हुआ तो नहीं ना। अगर हो जाता, तुम्हारा दुआ है साथ में तो कुछ नहीं होगा। नाटक मत करो प्लीज, नाटक मत करो। अरे तुम रो मत यार, अरे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है तो। आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक मंथ में ठीक हो जाएगा यार। मेरा क्या होता? आज कुछ हो जाता तो तुम्हें। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसए मोटो व्लॉग्स। तो गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनएस मेरे पास कहाँ से आया और मेरा गाड़ी किधर है और एनएस का मतलब हेड किधर है। तो गाइस आज आप लोगों को बता दें कि हम करने वाले हैं ज्योति के साथ एक तगड़ा वाला प्रैंक। तो ये एनएस मेरा दोस्त का है और इसका जो हेडलाइट है वो अभी मतलब डीआरएल करवाने दिया हुआ है गैरेज पे। तो मैंने यही सोच लिया कि मतलब ये गाड़ी देख कर मेरे को आइडिया आ गया कि ज्योति से एक एक्सीडेंट प्रैंक वगैरह से कर लेते हैं। इसलिए हाथ में देख सकते हो मैं क्रेप बैंडेज भी बात के आया हूँ और ज्योति को कुछ नहीं बताया, बस मिलने के लिए बुलाया। और आज उसके साथ करेंगे एक्सीडेंट वाला मतलब जो प्रैंक उसने मेरे साथ किया था, बहुत गंदा था। तो ये प्रैंक उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, रिवेंज तो कुछ करके लेना पड़ेगा भाई। तो अभी एक्सीडेंट वाला प्रैंक करेंगे। तो गाइज अभी बोलेंगे ज्योति को गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया, मेरा दोस्त का गाड़ी है और मेरा हाथ में भी क्रैक आ गया, तो देखते हैं मतलब उसका रिएक्शंस कैसा रहता है। तो अभी वो आ चुका है, कॉलोनी हाईवे पे खड़ा है, तो मिलने जा रहे हैं अभी उससे। और उससे पहले मिलते हैं और आप लोगों से उसके बाद में बात करते हैं, चलिए गाइज। तो गाइज देख सकते हो अभी ज्योति आ रहा है, पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा प्रैंक का। और मेरा हाथ का हालत आप लोग देख सकते हो। अरे यार कल से मैं तुमको कांटेक्ट नहीं कर पाया, आज मतलब थोड़ा अभी ठीक हूँ। ये किसका बाइक है और इसका हालत क्या है? अरे यार ये मेरा दोस्त का बाइक है, मैंने कल उससे लिया था। और मेरा, अरे हाथ मत पकड़ो ऐसे। हुआ क्या है हाथ में? अरे बहुत दर्द है, मतलब एक हाथ से वैसे बाइक चला के आया। मेरा दोस्त का बाइक था ये, और मेरा दोस्त मेरा बाइक लेके गया था कल, तो मैंने उसका बाइक रख लिया था, तो रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया यार। अबे रात को मैं कॉल तुम्हारा रिसीव किया ये बताओ पहले। मुझे लगा था कि तुम अभी भी कल रात भी गुस्सा हो, इसलिए तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे कुछ गुस्सा नहीं है यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या बताएं मैं, अभी तो बहुत दर्द है। मैं सोच रही थी कि मेरा वाला प्रैंक की वजह से तुम गुस्सा ही हो इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो। अरे बाइक भी टूट गया, अभी उसको ऐसे नहीं दे सकते यार। अच्छा, बाइक भी ठीक करके देना पड़ेगा। अरे तुम्हारा ऐसा हालत है, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था ना। अरे तुमको देखूंगा तो ठीक हो जाऊंगा ना। चोट लगी है और तुम ये सब बातें कर रहे हो। वैसे तुम्हारे हाथ में हुआ क्या है? अरे इसमें क्रैक आ गया यार, सुबह मैंने एक्सरे कर मतलब किया था, रिपोर्ट में आया है क्रैक आ गया है। अभी एक मंथ का रेस्ट दिया है डॉक्टर ने। तुम्हें रेस्ट दिया है और तुम क्यों आए यहाँ पे? अरे यार तुमको क्या बताए यार, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था मेरा। अरे यार मैं तुम्हें बताती हूँ ना हर वक्त कि थोड़ा धीमे बाइक चलाओ, तुम इतने जोर से क्यों बाइक चलाते हो, क्या होता है, हालत देख रहे हो? अबे ये मतलब मेरा नसीब में था यार। अरे यार रात को मैं जब निकला था घर से तो सामने मेरा एक कुत्ता आ गया था, तो मतलब मैं अचानक से उसको बचाने के लिए ब्रेक मारा तो गिर गया, फिसल गया। मतलब तुम्हारा बाइक का स्पीड बहुत था इसलिए अचानक से ब्रेक मारा और गिर गए? अरे स्पीड ज्यादा नहीं था यार, ज्यादा स्पीड ना, रोड तो खाली था यार। इसका मतलब तुम्हारा गाड़ी बहुत तेज था इसलिए अचानक से तुमने ब्रेक मारा और गिर गए? अरे नहीं गाड़ी तेज नहीं था। मुझे पागल मत समझना ठीक है, स्लो होता तो ऐसा नहीं होता ना। अरे यार मेरा गलती नहीं था, गलती नहीं मेरा किस्मत पे लिखा हुआ था एक्सीडेंट। तुम जोर से
से क्यों चलाते हो बाइक? कितनी बार मैंने मना किया है फिर भी तुम जोर से चलाते हो। जोर से चलाया इसलिए तो ये हुआ। क्या बताओ तुम्हें, अभी मेरा कोई गलती नहीं था। तुम्हें मार डालू यही पे, पर मार भी नहीं सकती हूँ क्योंकि पहले से चोट खा के बैठे हो तुम। क्या बोलूं तुम्हें, और तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था ना। तुम क्यों आए ऐसे हालत लेके, हाथ में कुछ और ज्यादा गड़बड़ हो गया तो? अरे यार मैं मतलब तुमसे मिलना था यार। अरे तुम्हारा मिलना क्या पहले है, ठीक हो जाओ पहले, फिर बहुत मिलेंगे हम लोग। मैं फिर भागी नहीं जा रही हूँ। अरे बहुत दर्द है क्या हाथ में? हाँ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। कुछ सीधा वीधा करने का कोशिश मत करो तुम, ये वाला हिस्सा ठीक है। हाँ, तुमने अभी इधर से क्रैक हुआ, इधर से क्रैक हुआ। बाइक चला के यहाँ पर आए, तुम्हारा क्या दिमाग खराब? अरे बहुत दर्द भी है अभी, दबाओ मत ऐसे। हम दबा नहीं रहे, बस पकड़ के। डर लग रहा है मुझे देख के तुम्हारा हाथ, सच्ची में। वैसे कहाँ पे क्रैक हुआ है तुम्हारा हाथ? इस जगह पे हुआ है, ये वाला हड्डी। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और तुम मतलब अंदर से खुश हो रही है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें शाबाशी दे रही हूँ, शाबाश। ऐसे ही जोर से चलाते रहो बाइक, ऐसे ही जोर से चलाते रहो और हड्डियाँ तोड़ते रहो अपनी। अबे मेरा कोई ज्यादा मजबूत हो गई ना तुम्हारी, मेरा शरीर का कोई हड्डी टूटा हुआ ही नहीं है यार। बस ये पहला मेरा पहला एक्सीडेंट है जो मेरा किस्मत से हो गया। किस्मत से नहीं, तुमने अपने आप से किया। किस्मत से नहीं, किस्मत का दोष मत दो। क्या किस्मत का दोष मत दो, तुम्हारे खुद के वजह से यह हुआ है। अरे मेरा कुछ खुद के वजह से नहीं हुआ, तो मैं अपनी जगह पे ठीक ही चला रहा था यार। कुत्ता मेरे सामने आ गया तो उसको बचाने के लिए मैं गिर गया यार। गलती कुत्ता का है? हाँ जरूर कुत्ता का ही है, क्योंकि वो समझता नहीं है ना। उन लोगों का तो कोई घर नहीं है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। तुम्हें तो सावधानी से चलाना पड़ेगा ना। क्या सावधानी, मैं बहुत सावधानी से ही चला, उसको बचा लिया ना, अपना हड्डी तुड़वा के उसको बचा लिया ना। क्या बोलूं, और तुम हंस रही हो अभी इधर। मुझे हंसी भी आ रही है, तुम्हें देख के गुस्सा भी आ रहा है और मारने का भी दिल कर रहा है और रोना भी आ रहा है। बस क्या हाथ में ही क्रैक हुआ है? और अरे नहीं, इधर बहुत जगह पे मेरे को चोट आई है, पीठ में भी बहुत चोट आई है, लेकिन उधर कोई हड्डी वड्डी का सीन मतलब टूटने वाला सीन नहीं है। बस टूटना चाहिए था, और दो चार हड्डी टूट जाता ना तो तुम्हें सबक आ जाता। अरे तुम मतलब दोबारा ऐसा जोर से बाइक नहीं चलाते तुम। तो मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मेरा और दो चार हड्डी टूट जाता तो अभी तुमसे मिलना भी नहीं होता ये। अच्छा तुम्हें सबक भी सीखने मिलता ना। हाँ सबक सीखने मिलता। क्यों, वजह से तुमने आज अपना हाथ का यार बहुत दर्द कर रहे अभी। हाँ दर्द तो होगा ही ना, मुझे पता है कि तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा ना, तो फिर तुम भूल जाओगे और फिर जोर से बाइक चलाओगे। और नहीं चलाऊंगा जोर से यार, पक्का। तुमने कितनी बार प्रॉमिस किया है पता है पहले? पता है कितनी बार प्रॉमिस किया है, मुझे याद है। मेरे से प्रॉमिस करो कभी ऐसा जोर से बाइक नहीं चलाओगे। हाँ हाँ प्रॉमिस करते हैं। हाथ तो उधर, हाथ तो उधर ले नहीं जा सकता ना यार। हाँ प्रॉमिस, पक्का पक्का, ठीक है पक्का वाला, ये लो। अरे थोड़ा धीमा मारो यार, मेरा हाथ में चोट लगा हुआ है। तुम्हारा जहाँ पे क्रैक हुआ है ना, मेरा जी कर रहा है उसके ऊपर मारूं मैं। अगर दर्द जितने दिन दर्द रहेगा उतने दिन तुम्हें याद रहेगा कि मुझे ज्यादा जोर से बाइक नहीं चलाना है। अरे यार तुमने अपना हालत क्या कर दिया है, मुझे देख के ही बुरा लग रहा है। अरे यार हो गया, मैं तो मतलब अपनी मर्जी से नहीं किया यार। मैंने देखा नहीं तुम कभी ठीक ठाक हो, तुम्हारा हमेशा कुछ ना कुछ लगा क्यों रहता है ऐसे? कभी तुम्हारा तबीयत खराब होता है, कभी तुम्हारा ये खुद से हाथ ऐसा कर लिया है तुमने। हाँ खुद से किया है। हाँ खुद से ही किया है। नॉर्मल अच्छा रहते हो कभी तुम? मुझे तो नहीं लगता है, हमेशा तो बीमारी या कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तुमको कितनी बार बोला मैंने कि तुम धीमे बाइक चलाओ, थोड़ा धीमे बाइक चलाओ, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। अगर कुछ हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं ना, थोड़ा बहुत हुआ है। किस्मत से और नहीं चलाएंगे जोर से। किस्मत से बच गए तुम, अगर कुछ हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं, बस हाथ में चोट ही आया। अरे हुआ तो नहीं ना, किस्मत से बच गए हो, कुछ हो जाता अगर? अरे हुआ तो नहीं। तुम हमेशा मुझे टेंशन में रखते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, इमोशनल क्यों हो रही हो यार? हमेशा मुझे टेंशन में रखते हो। तुम्हें लेके हमेशा मुझे टेंशन होता है कि तुम इतने जोर से बाइक चलाते हो, मुझे पता है। हमेशा टेंशन आता है कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और देखो थोड़ा धीमे चलाने में तुम्हारा क्या आ जाता है। अरे तुम रो मत यार। अरे लड़की रोने लग गई यार, थोड़ा धीमे। अरे रो मत नहीं यार। अरे हो गया है, अब छोड़ो यार, रो मत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता आज तो? हुआ तो नहीं ना। अगर हो
जाता। तुम्हारा दुआ है साथ में तो कुछ नहीं होगा। नाटक मत करो प्लीज, नाटक मत करो, हमेशा मुझे टेंशन में रखते हो तुम। अरे रो मत, रो मत यार, रो मत यार, जाओ मुझे। अरे तुम रो मत यार, अरे तुम रो मत यार, अरे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है तो। आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, एक मंथ में ठीक हो जाएगा यार, मेरा क्या होता, आज कुछ हो जाता तो तुम्हें। तो गाइस बहुत मनाने के बाद, मतलब बहुत समझाने के बाद इसने अपना रोना बंद किया है। ऐसे मत चलाया करो प्लीज। इसने अपना रोना बंद किया है तो मतलब आज क्या बताए, ये कितना प्यार करती है। तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो यार, ये तुमको भी मतलब देख के ही मेरे को समझ में आ रहा है, किसी को भी देख के समझ में आ रहा होगा। तो गाइज आप लोग कमेंट पे बताना ये लड़की मेरे से कितना प्यार करता होगा, आप लोगों को क्या लगता है। अरे यार तुम अभी भी ब्लॉग बना रहे हो इस हालत में तुम अभी भी। अरे कुछ हुआ है, अपना यूट्यूब ऑडियंस को भी तो दिखाना पड़ेगा। उस पर रहम करो प्लीज, घर जाके रेस्ट करो, डॉक्टर तुम्हें एक महीने का रेस्ट दिया है, ऐसा ही तो नहीं। अच्छा अच्छा सुनो ना, एक बात सुनो ना, मैं अभी चला जा रहा हूँ, ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाके मेरे ऊपर रहम खाना, ठीक है। अभी तो सुबह का 10 बज रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं तुमको एक बार और शाम में बुला सकता हूँ, क्योंकि मेरा तुम्हारा थोड़ा हेल्प वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तुम इस हालत में फिर शाम को। अरे प्लीज प्लीज आज प्लीज एक और बार आ जाना शाम में, ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होगा, तो थोड़ा सा मिल लेना आज, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा हालत अभी ठीक नहीं है ना, मतलब मेरे को अभी तुम्हारा हेल्प का बहुत ज्यादा जरूरत है यार। मैं ठीक है, देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक, हाथ में प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो ठीक है तुम प्लीज आज शाम को थोड़ा बहुत आना प्लीज, मैनेज कर लेना थोड़ा, तो कुछ हेल्प वगैरह लगे तुम्हारा तो तुमको मैं शाम को बुलाऊंगा, तुम थोड़ा आना यार। ठीक है मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, जो भी हेल्प लगेगा तुम करोगी ना यार। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ यार, फिलहाल तो तुम घर जाओ यार, क्या किया है तुमने। ठीक है तुम अभी इधर से तो घर चला जाओ, मैं अभी घर चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, बस नहीं। हाँ हाँ तुम भी चले जाओ और मैं भी चला जाता हूँ, बाय। अभी राइट हैंड से नहीं कर सकते यार। ठीक है तुम ध्यान से घर चले जाना, ठीक है, घर जाके मेरे को कॉल कर देना। तो गाइस देख सकते हो अभी ज्योति जा रहा है, तो उसके साथ अभी रिवील नहीं किया है कि प्रैंक कर रहे थे, कि एक और बार भी मैं टेस्ट कर लूँगा ये मेरा हेल्प करता है कि नहीं। तो गाइस ज्योति अभी घर चला गया है और वीडियो को ही पेंट करेंगे, तो ये वीडियो में मैंने उसको रिवील नहीं किया, ये प्रैंक कर रहा था, ठीक है। और ये हेडलाइट जो है, इसका हेडलाइट और मीटर वो दिया हुआ है गाइस अपना DRL बनाने, ठीक है। DRL बनाने के बाद लुक्स कैसा आता है और इस NS में रैपिंग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट पे भी बताना। ज्योति को आज हमने रिवील नहीं किया कि ये प्रैंक चल रहा था, क्योंकि मैं एक और बार ज्योति को टेस्ट करने वाला हूँ कि वो मेरा हेल्प करता है कि नहीं। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो ये वाला जो ब्लॉग आज बना रहा हूँ वो कल को आएगा, और दूसरा वाला पार्ट मैंने परसों के लिए रखा हूँ, और देखूंगा गाइज मतलब दूसरा वाला ब्लॉग में कि ज्योति मेरा हेल्प करता है कि नहीं। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है कोई नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।